मारी में बीती रात जंगली सियारों ने गांव वालों पर हमला कर दिया। वहीं हमले में एक दर्जन लोगों को घायल कर दिया। साथ ही सियारों के झुंड ने हमले में एक दर्जन से अधिक पशुओं को भी अपना निशाना बनाया, जिनमें से कई गाय और भैंसे भी शामिल हैं। वहीं हमले में घायल ग्रामीणों को ने बताया कि रात में बिजली न होने के कारण लोग अपने दरवाजे खोलकर सो रहे थे, उसी समय सियारों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। लाइट हती नहीं, वहां से चले थे चेट गो लिपड़ो तो हमने मारू हम धक्का ही हाथ से तो वो छूटू तो फिर दूसरी जगह से चेट गो तो फिर मारू फिर हम हाथ निचिन दिया ने सट गो उसको नहीं पकड़ता तो फिर वो दूर से थे पड़ गो चीज चाँच को फिर हम चल लिया नहीं तो घर आए और बाजू बाजू आए उठी तो जो हल्ला पड़ो उसको भगला उठा। ये जो घटना है एक रात्रि के समय की घटना है। हमारे बीट गांव वाले आज लाइट नहीं थी तो गेट खोल के सो रहे थे। एक जंगली सियार जो कि पागल हो गया था उनके द्वारा बताया गया है, उसके द्वारा 11 लोगों को करीबन घायल किया गया, जिसमें कुछ वृद्ध महिलाएं भी हैं। सभी 11 लोगों को हमने तत्कालिक सहायता 1,000 रुपए दिए और उसके अलावा जो भी उनका खर्चा रहेगा वो भी हम शासन से दिलवाएंगे। अगर एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा उनका लगता है और वो भी पूरा दिलवाया जाएगा शासन से। ईसानगर के प्रतिष्ठित बर्तन